हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर एनिमल्स एवरीवेयर। चैप्टर 8 है, लिविंग साइंस की बुक से लिया गया है, क्लास 5 का ये बुक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स बिलो। आपको ध्यान से देखने हैं ये एनिमल्स जो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई दे आर ग्रुप्ड इन 4 सेपरेट कॉलम्स। तो आप देख सकते हो कि 4 सेपरेट कॉलम्स में हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप गेस कर सकते हो कि ये अलग अलग कॉलम्स में क्यों हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर जो आपकी सीट के बगल में बैठा होता है क्लास में, उसके साथ डिस्कस करो। वी सी एनिमल्स ऑन लैंड, हम एनिमल्स को देखते हैं लैंड पर, ऑन ट्रीज यानी कि पेड़ों पर, इन वाटर यानी कि पानी में, एंड इन एयर और हवा में उड़ते हुए भी देखते हैं। द नेचुरल होम और सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स, वो क्या कहलाता है, जो भी नेचुरल होम होता है एनिमल का, या जो उसकी सराउंडिंग होती है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो ईट करता है, ग्रो होता है, बढ़ता है ना, एंड हैज़ बेबीज, जहाँ उसके बच्चे पैदा होते हैं, वही उसका हैबिटेट होता है। ठीक है, तो वो जगह जहाँ कोई एनिमल, समझ लो फिर से कि द नेचुरल होम और सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल, जहाँ पर वो लिव यानी कि रहता है, ईट करता है, ग्रो करता है और उसके बेबीज होते हैं, वही होता है उसका हैबिटेट। द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। तो क्या होता है, जो लार्ज एनिमल यानी इतना बड़ा एनिमल किंगडम है, कंसिस्ट मानी कि उसके अंदर हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। तो इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दे हैव डिफरेंट हैबिट्स। सभी एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है, सबकी जो हैबिट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, बॉडी फीचर्स अलग होते हैं। जैसे कि हाथी का जो बिहेवियर है वो बंदर के बिहेवियर से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, बंदर का जो बिहेवियर है वो ज़ेब्रा के बिहेवियर से अलग होगा। तो इस तरह से इनके हैबिट्स, इनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द हैबिट्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर हम स्टडी करते हैं हैबिट्स की और फीचर्स की डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की। तो यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, अब ब्रीथिंग इन एनिमल्स। तो किस तरह से सांस लेने का प्रोसेस होता है, एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। तो एनिमल्स को ब्रीथ करना होता है उनको, किस लिए, क्योंकि उनको भी बॉडी में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन देयर बॉडीज। अब ऑक्सीजन क्या करती है, फूड जो हम खाते हैं, जो एनिमल खाते हैं, वो उस फूड को बर्न कर देती है ऑक्सीजन अंदर जाके। ठीक है, और फिर जब वो बर्न होता है तो क्या रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी होती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे कि एनिमल्स को सोना होता है, चलना होता है, अपना फूड सर्च करना होता है, यू नो, भागना होता है, तो ये सारे ही कामों के लिए उनको इस तरह से फिर एनर्जी मिल जाती है। एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो एनिमल्स को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, अपने आसपास से मिलती है। अब आप समझ ही सकते हो कि एनिमल्स के आसपास क्या होते हैं, पौधे, पेड़ पौधे जो भी होते हैं, वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनिमल इनहेल कर लेते हैं, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं। तो ठीक है, तो अपने सराउंडिंग से ही मिल जाती है। लैंड एनिमल्स ब्रीथ करते हैं इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वेयर वाइल्ड फिशेज एंड एक्यूटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो लैंड एनिमल होते हैं यानी कि धरती पर रहने वाले, जो भूमि पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बंदर है, ठीक है, ज़ेब्रा है, घोड़ा है, हाथी है, गाय है, ये जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर। ठीक है, हवा में से इनको मिल जाती है ऑक्सीजन। अब क्या होता है, लेकिन जो पानी वाले होते हैं, जो फिश होती है, जैसे या अदर एक्यूटिक, एक्यूटिक मतलब पानी में रहने वाले एक्यूटिक एनिमल्स, जो भी पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं फ्रॉम द वाटर। वाटर में कहाँ से ऑक्सीजन आती है, अब आप सोच रहे होंगे, वाटर के अंदर वाटर प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, तो उससे ही वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। अब आ जाओ ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। अब कौन किस से सांस लेता है, कौन सा ऑर्गन होता है, जैसे हमारा ऑर्गन क्या है, नोज़ है, ऐसे ही कौन सा एनिमल किस ऑर्गन से सांस लेता है, ये हम पढ़ेंगे। माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा है या पैरामिशन है, ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो अब आप समझो, माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से मतलब होता है ऐसे एनिमल जो इतने छोटे हों कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सके, ऐसे ही आंखों से तो वो दिखाई भी नहीं देते। तो उन्हीं के दो एग्जांपल उन्होंने दिए, जैसे कि अमीबा है, पैरामिशियम है, ये जो हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी के सरफेस पर ही कुछ इस तरह की बॉडी सरफेस होती है इनकी, जिससे कि वो सांस ले पाते हैं, ठीक है, छेद वगैरह होते होंगे जो भी है। इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उनकी बॉडी पर एयर होल बने हुए होते हैं और उसी से, उन होल्स से ही ये जो है वो सांस ले पाते हैं। देयर होल्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स।
ध्यान से समझ लेना इस लाइन को कि जो इंसेक्ट की बॉडी पर होल होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं वो स्पैरिकल्स कहलाते हैं। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरीज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो ब्लड ऑफ इंसेक्ट यानी कि जो इंसेक्ट का ब्लड होता है डज नॉट कंटेन, उसके अंदर नहीं होता द ऑक्सीजन कैरीड कैरियर, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन वो उनके अंदर नहीं होता। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। दिस इज़ वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर। अब इसी वजह से उनका जो खून होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को रेड कलर हीमोग्लोबिन ही देता है, लेकिन अगर उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो इसी वजह से उनका जो ब्लड का कलर है वो भी रेड नहीं होता। हाउ इज़ ऑक्सीजन देन कैरीड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी? तो किस तरीके से फिर इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से कैरी होती होगी, किस तरह कौन लेके जाता होगा? तो फिर द स्पैरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स। स्पैरिकल लीड करते हैं एयर ट्यूब्स, मतलब उसके पीछे एयर ट्यूब्स होते हैं विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क, और उन एयर ट्यूब्स से एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है ना। नेटवर्क कैसे बन जाता होगा? लेट सपोज ये हमारा कीड़ा है, इसकी बॉडी में ये होल है, तो यहाँ पर इस तरह से पाइप बने हुए हैं। अब ये जो पाइप है ऐसे नेटवर्क सा बन जाता है, तो हर ऑर्गन को इस तरह से सप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन जो होती है, सॉरी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से समझ लो आगे। दिस इज़ वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर, ये हमने कर लिया था। हाउ इज़ ऑक्सीजन देन कैरी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी? तो द स्पैरिकल, अब ये यहाँ से ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइनें, कि स्पैरिकल लीड करते हैं टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क। एयर ट्यूब्स से एक नेटवर्क बन जाता है और जो रीच करता है क्या करता है फिर, विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीचेज एवरी टिश्यू, अब हर टिश्यू के पास जाता है ऑफ द बॉडी, और एयर एंटर करती है बॉडी में थ्रू दी नेटवर्क। अब ये जो पूरा नेटवर्क बनता है ट्यूब्स का, इसी से एयर जो इनकी बॉडी में एंटर कर जाती है। द बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप सोख लेते हैं बॉडी के जो टिश्यू होते हैं ऑक्सीजन को, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कौन सी चीज़ छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं जब ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, जो एक्सपेल्ड होती है मतलब एक तरीके से बाहर निकलती है उनकी बॉडी से। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल, जो मछली होती है वो अपने गिल से सांस लेती है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ध्यान से समझते रहना इसे। सो डू प्रॉन्स, प्रॉन्स भी ऐसे ही करते हैं, क्रैब्स भी ऐसे ही करते हैं, ओस्टर है या टैटपोल्स, ये सब समुद्र वगैरह में, क्रैब्स ओस्टर तो आपने काफ़ी सुना होगा, समुद्र में पाए जाते हैं सब, प्रॉन्स वगैरह तो सी फूड जो लोग खाते होंगे उनको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो ये लोग भी तो हैं, ये गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स। गिल्स क्या होते हैं एक्चुअली? एक ऐसा ऑर्गन होता है इनकी बॉडी के अंदर जो एक्यूटिक एनिमल्स होते हैं, इस तरह के फिश वगैरह जो प्रॉन्स क्रैब्स वगैरह होते हैं, ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं गिल्स दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर क्या काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, इससे पूरा जो है वो सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन का हमारा। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स, जब इनके गिल्स के ऊपर से पानी फ्लो करता है ना, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, तब उस समय गैसेस जो होती हैं पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन ये अंदर ले लेते हैं और अपनी बॉडी से बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि वाटर के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के काम में ले लेते होंगे। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, गिल्स जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को पानी से, एंड रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड, अपने ब्लड से वो रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अ फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन होता है? एम्फीबियन वो होता है जो कि लैंड पे भी रहता है और जो कि वाटर में भी रह सकता है। तो फ्रॉग तो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अ बेबी फ्रॉग और अ टैटपोल ब्रीथ करता है थ्रू इट्स गिल, तो जो बेबी फ्रॉग होता है ना वो जब सांस लेता है तो वो अपने गिल्स से लेता है। एन एडल्ट जब वो बड़ा हो जाता है, फ्रॉग बन जाता है, ब्रीथ करता है थ्रू इट लंग्स, तो उसकी बॉडी के अंदर समझ लो दोनों ऑर्गेन है, गिल्स भी और लंग्स भी है। जब वो लैंड पर आएगा तो लंग्स से काम ले लेगा, जब पानी में जाएगा तो गिल्स से काम ले लेगा, लेकिन जब वो छोटा होता है बेबी होता है तब वो क्या करता है? ब्रीथ करता है थ्रू इट्स गिल्स, ध्यान रखना है चीज़। अब आता है ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, अब क्या होता है? एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। अच्छा फिर से समझाती हूँ, जो बेबी फ्रॉग होता है ना वो तो गिल्स से ही सांस लेता है, ठीक है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो लैंड पर वो लंग्स से लेता है और जब पानी में जाता है तो अपनी मॉइस्ट स्किन से लेता है, मॉइस्ट स्किन से लेता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बर्ड्स रैपिटाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स, जो बर्ड्स वगैरह होती हैं रैपिटाइल्स माने जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप रेंग रेंग के चलता है, या मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते बच्चों को जन्म देते हैं और सीधा मतलब और उसको दूध वगैरह पिलाते हैं, तो वो मैमल्स होते हैं, ठीक है। वो ब्रीथ करते हैं
किससे? विद दी हेल्प ऑफ लंग, लंग से करते हैं। मैन इज़ अ मैमल, हम मैमल क्यों हैं, इंसान मैमल क्यों है, मैन का मतलब यहाँ आदमी से नहीं है, इंसानों से। तो इंसान जो होते हैं मैमल होते हैं, मैमल क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इंसान की बॉडी से अंडा नहीं निकलता, बच्चा निकलता है इसी वजह से, और हम माएँ जो होती हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो इसलिए वो मैमल होता है। वी टेक इन एयर थ्रू दी नोज, हम जो हवा से क्या करते हैं, हवा को अपने अंदर कैसे लेते हैं, हम लेते हैं नोज़ के थ्रू, ठीक है ना। हमारी बॉडी को एयर चाहिए होती है, अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें कि ऑक्सीजन भी होती है। दिस एयर एंटर्स द लंग, और ये एयर जो होती है हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है थ्रू द विंड पाइप, किससे जाती है, विंड पाइप से जाती है। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, लंग्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होती है, किसके द्वारा सप्लाई होती है, इसकी ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स बनी होते हैं लंग्स में, ठीक है। लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स, जब हवा पहुंच जाती है लंग्स में, एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, तब क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होने लगती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में बदलना शुरू हो जाता है, टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, ठीक है ना। व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स, जब हवा पहुंचती है लंग्स से, एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासेज होती है इनटू द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन पास हो जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेज इनटू द एयर, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में वो छोड़ देते हैं, देन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, एंड द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। देखो, आपने ऑक्सीजन अंदर ली तो आपका अंदर से वो जो है फूल जाएंगे लंग्स, अब जैसे ही आप बाहर छोड़ोगे तो लंग्स जो है वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स, तो वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो भी मैमल्स होती हैं, देयरफॉर दे आर लंग ब्रीथ्स एवर थ्रू दे लिव इन वाटर, तो उनका वो तो हमेशा क्या करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करती रहती हैं, इवन थ्रू दे लिव इन वाटर। तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना इस पॉइंट को, कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं, बच्चे सारे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अदरवाइज अगर ध्यान से नहीं समझा, कि वो मैमल हैं, पानी में रहती हैं, फिर भी पानी में भी वो लंग्स से ही सांस लेती हैं, उन्होंने सिंपल बताया हुआ है, फिर से पढ़ा देती हूँ। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स, देयरफॉर इस वजह से दे आर लंग ब्रीथ्स, ठीक है, ब्रीथर्स, लंग ब्रीथर्स हैं, यानी कि लंग से ही ब्रीथ करने वाली हैं, इवन देन दे लिव इन वाटर, फिर जबकि वो भी वाटर में ही रहती हैं। आप आ जाओ यहाँ से आगे, फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, तो फीडिंग हैबिट्स का मतलब है खाते कैसे हैं, ये फीड कैसे करते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी फूड चाहिए ग्रो होने के लिए, टू गेट एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए, एंड टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को, द फीडिंग हैबिट्स डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, जो वो खाते हैं वो हैबिट डिपेंड करती है कि किस तरीके का फूड वो हमेशा खाते हैं, फीडिंग हैबिट्स जो है उनकी उसी पर डिपेंड करेंगी। देन माउथ पार्ट्स आर सिचुएटेड टू द टाइप ऑफ द फूड दे ईट, तो उनका जो मुंह का पार्ट होता है, तो तुमने देखा होगा जैसे शेर होता है, चीते होते हैं, उनके दांत बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, या अगर आप देखोगे तो बंदर का मुंह बिल्कुल अलग होता है, तो क्योंकि वो फूड अलग अलग टाइप का खाते हैं, इसलिए उनके अंदर जो मुंह के पार्ट्स बने होते हैं वो भी अलग अलग ही टाइप के होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन कि किन किन ऑर्गन से ये लोग खा पाते हैं। यू लर्नड इन चैप्टर 3, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, दैट द बीक्स एंड द क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द फूड दे ईट, कि बीक्स जो होती हैं, जो चोंच होती है, और जो क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं बर्ड्स के, वो मॉडिफाइड होते हैं बिल्कुल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके, काइंड ऑफ फूड दे ईट, जिस तरीके का वो फूड खाते हैं। रोडेंट्स लाइक रैबिट है, या माइस है, या फिर स्क्वायरल है, हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ, ध्यान से रखना कि इनके टीथ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और काफी शार्प होते हैं। दे गिनोए सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब हार्बिवोरस, जैसे कि काऊ हो गई, गोट हो गई, जिराफ हो गए, हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके जो आगे के दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, फॉर बाइटिंग, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं, ठीक है, फॉर बाइटिंग, तो जो इनके फ्रंट टीथ होते हैं वो बाइटिंग के लिए होते हैं, और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड यानी कि बहुत ही मजबूत और चौड़े दांत होते हैं च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए। दे ईट ग्रीन प्लांट्स, हार्बिवोरस क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस लाइक लॉयन है, टाइगर है, कैट हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ, बहुत ही शार्प होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं ना, और कर्व्ड हल्के से मुड़े हुए होते हैं टीथ जो होते हैं, टेयरिंग फ्लश करने के लिए, क्योंकि अब देखो दूसरे जानवरों का मांस खाएंगे तो उनको इसी तरह के टीथ की ज़रूरत होती है एक्चुअली। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, उनके जो दांत होते हैं जो पीसते हैं ना खाने को, एक तरीके से ग्राइंडिंग टीथ होते हैं,
ये भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जानवरों का मांस खाएंगे तो उसको मांस को चबा के पीसने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ग्राइंडिंग टीथ की ज़रूरत होती है इन्हें, ठीक है, फ्लैश को च्यू करने के लिए एंड बोन्स को च्यू करने के लिए। दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो ये खाना खाते हैं, एक्चुअली फीड ऑन करते हैं यानी कि अपनी भूख मिटाते हैं दूसरे जानवरों को खा के। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल है, काइट्स हैं एंड वल्चर हैव स्ट्रांग शार्प एंड हुक पीक्स होती हैं इनके, एंड क्लॉज होते हैं इनके टू कैच देयर प्रे प्रे, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए एंड टू टियर देयर फिश। तो आपने उसके फ्लैश को जो भी इन्होंने शिकार किया है, जिसका भी उसका फाड़ने के लिए उसकी बॉडी को, एक तरीके से उसके मांस को फाड़ने के लिए इनका जो बॉडी है, इनके क्लॉज, इनके पंजे जो है वो इसी तरीके के बने हुए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के बाद आगे का स्टार्ट करेंगे पार्ट टू। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं मदद कर सकती हूँ आप लोगों की मदद से, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।